तो हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सनी एंड आज हम लोग आ गए अपने टाउन हॉल लेवल 12 में। एंड अब हम लोग प्रोबेबली इसी बेस को खेलने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि टाउन हॉल लेवल 13 आने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो उसकी तैयारी हम लोगों को कर लेनी है एंड आप लोगों को भी कर लेनी है पूरी तरह से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किस तरह से मतलब प्रिपेयर रखना है खुद को टाउन हॉल लेवल 13 आने के लिए। इफ़ यू आर टाउन हॉल लेवल 10, 11 और 12, 9th वाले भी मतलब कोशिश कर सकते हैं, बट एक मंथ में यार कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। 10th 11th वाले आराम से कर सकते हैं, मतलब उतना भी आराम नहीं है, क्योंकि टाउन हॉल लेवल 12 में ये है जो ये 5 बार अपग्रेड होता है फॉर ये जो ऊपर 5 स्टार दिख रहे हैं उसके लिए। तो एक मंथ में उसमें भी कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये अभी चल रहा है क्लैन वॉर लीग, इसमें से आपको मिल सकता है मेडल्स, तो आप 2 बिल्डिंग वाले मेडल ले सकते हो एंड अपना अपग्रेड कर सकते हो। इस बार के हमारे अपोनेंट्स बहुत ही कमज़ोर हैं, देख सकते हो वॉर हम लोग 2 बार हार चुके हैं। तो हम मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, तो आते इधर तो देख सकते हो जैसा कि हमारा अभी किंग चल रहा है अपग्रेड में एंड अटैक में कर रहा हूँ जहाँ पे भी, तो डार्क एलिक्सर बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है देख सकते हो। तो मैंने ट्रॉफी बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप की है इधर ताकि हम लोग डार्क एलिक्सर कम से कम ले सकें एंड नीचे वाले लीग में बहुत ही ज़्यादा गोल्डन एलिक्सर मिलती है। तो सबसे पहला एडवाइस रहेगा मेरा कि आप नीचे आ जाओ ट्रॉफी काउंट में एंड आप फार्मिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहले हम लोग अपने किंग को कर लेते हैं मतलब फिनिश एंड इसे लगा देते हैं फिर से अपग्रेड के लिए। ओके अच्छा लगा ही देते हैं, क्या रुकना यार, लगा देते हैं इसे अपग्रेड के लिए एंड कलेक्ट कर लेते हैं अपना ट्रेजरी और फिर से भी करेंगे हम लोग अटैक। और हमें यहां से मिलेगा स्टार बोनस एंड लूट बोनस भी मिलेगा, तो देखते हैं क्या हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपसे बात भी करता रहूँगा कि क्या क्या आप लोगों को अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप अगर टाउन लेवल 10 या 11 या 12 में हो, तो सबसे पहले आप अपने मतलब 11 12 वाले इलेक्ट्रो ड्रैगन्स एंड बलून्स एंड रेज एंड फ्रीज, इन 4 चीज़ों को आप मैक्स करो अलॉन्ग साइड विद अपने टाउन हॉल को। एंड डिफेंस में आपको अभी उतना ज़्यादा कुछ जाना नहीं, अगर आप टाउन लेवल 13 के लिए एक्साइटेड हो एंड उसे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी खेलना चाहते हो, तो आप जल्दी से सबसे पहले अपने इन 4 चीज़ों को अपग्रेड कर लो। एंड जो आप टाउन लेवल 10 वाले हो वो भी कर लेना। अच्छा एक बेस मिला, इस पर पहले अटैक कर लेते हैं। तो उतना ज़्यादा कुछ अपग्रेडेड बेस तो नहीं है, बट फिर भी यार 3 स्टार लेने में आजकल पता नहीं मेरी फट जा रही है। और अभी जो इवेंट चल रहा है जायंट वाला, उसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो चलो इधर पहले सीज मशीन अपना चेंज कर लेते हैं एंड आई थिंक वी शुड डू क्वीन वॉक। तो क्वीन वॉक तो करना ही है क्योंकि क्वीन लेकर के आएँ। तो सबसे पहले इधर ऐसा करते हैं एंड क्वीन को अपनी यहाँ छोड़ते, एक कोकोलून छोड़ते हैं फॉर डिटेक्टिंग एनी एयर माइंस वगैरह। एंड जैसा कि आप जानते ही हो कि मेरा किस्मत बहुत ही ख़राब है, तो हमारा जब जायंट ले रहा था हिट तो हमारे हीलर्स उसी की तरफ जा रही थी, बट अब आ गई अपनी लाइन पे एंड ये जो एयर डिफेंस है वो तबाह कर देगा हमारे क्वीन की हीलर्स को। बट कोई बात नहीं यार, आसानी से 3 स्टार हो जाना चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम लोग पहले आई डोंट थिंक कि हमारे हीलर से एक भी बचेगी। चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी छोटी सी गलती हो गई है उसे भुगतना ना पड़े, इसलिए हम लोग इधर बॉलर डाल देते हैं एंड बॉलर हमारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उधर, तो 2 उधर डाल देते हैं अपने। एंड इसे ग्राउंड में सेट करना है फटाफट से एंड इधर एक डाल देते हैं फ्रीज फॉर पता नहीं क्या, क्योंकि सभी फ्रीजेस गलत ही जगह पर जा रहे हैं। एंड एक रेज यहाँ पे डालते हैं, क्वीन की एबिलिटी को यूज़ करते हैं एंड इधर आने देते हैं थोड़े से बॉलर्स को, फिर उसकी भी एबिलिटी यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पे फ्रीज डाल देते हैं एंड और डालते हैं अंदर आजा भाई जायंट्स, एंड बॉलर्स हमारे अंदर नहीं आएंगे क्योंकि वो डिफेंस को टारगेट नहीं करते हैं, जायंट्स डिफेंस को टारगेट करते हैं इसलिए अंदर आ गए। यहाँ पे हिल डाल देते हैं, हिल की उतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं थी और जायंट्स भी हमारे दूसरी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार सा अटैक चल रहा है, बट 3 स्टार आसानी से हो जाएगा। एंड तो बात कर रहे थे हम लोग अपने मतलब कि क्या क्या अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रो ड्रैगन को लेवल 2 तक पहुँचा लेना अगर आप टाउन लेवल 11 पे हो, अगर 12 पे हो तो 3 तक। एंड रेज फ्रीज उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट फिर भी अगर मैक्स कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एंड बलून को भी मैक्स कर लेना, फिर आप लोग टाउन लेवल 12 में आ सकते हो। एंड अभी जो क्लैन गेम्स चल रहा है मैंने पहले ही बताया, उसमें आप लोग कर सकते हो 2 ले सकते हो बुक ऑफ बिल्डिंग, मतलब बुक ऑफ बिल्डिंग नहीं, हैमर ऑफ बिल्डिंग, एंड उससे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे चलो वार्डन की एबिलिटी यूज़ करते, ज़रूरत नहीं थी फिर भी। एंड उसके बाद उससे जब आपका हो जाएगा तो अच्छा आर्चर भी है, 2 छोड़ दो यहाँ पे। एंड फिर जब वो अपग्रेड हो जाएगा तो जब आप टाउन लेवल 12 में जाओगे तो आपको लूट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। और अभी ज़्यादा कुछ ट्रूप्स को मतलब अपग्रेड मत करना। एंड हम लोगों का तो डार्क एलिक्सर अभी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि
हमारा दोनों का दोनों हीरो मैक्स हो चुका है, बस किंग बचा हुआ है जिसे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लूट अच्छी खासी मिल गई है 8000 के लगभग, डार्क एलिक्सर बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड ट्रॉफी काउंट अपना रखना, मतलब गोल्ड लीग में, ये जो लीग है यहाँ पे, ये गोल्ड लीग में रहना। एंड तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को लूट भी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड फटाफट से आप अपग्रेड कर पाओगे। और अगर अभी तक आपने अपना सिक्स्थ बिल्डर नहीं लिया है तो उसे भी लेने की कोशिश करना, क्योंकि आई डोंट थिंक कि उसके बिना मज़ा आएगा ज़्यादा। तो सिक्स्थ बिल्डर लेने के लिए आप लोगों को प्रोसीजर तो पता होगा ही, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले ये करना होगा कि इसे कैनन कार्ड को मैक्स करना होगा। एंड इधर गीगा टेस्ला ही नाम है, मेगा टेस्ला को भी अपग्रेड कर लेना, इसे भी अपग्रेड करना। एंड अपना ये बैटल मशीन को भी अपग्रेड करना। एंड इधर गियर अप करना है 3 बिल्डिंग्स को, शायद उसे भी गियर अप कर लेना, रिक्वेस्ट कर देते हैं हम लोग कुछ भी। एंड इतना करने के बाद फिर आप लोग टाउन लेवल 13 में आकर के आराम से खेल सकते हो। अभी देख सकते हो जैसा कि ये वाला इवेंट चल रहा है, तो इसमें हमें ये वाला मिलेगा रिसोर्स पोशन, तो इसे हम लोग यूज़ करके अपना रिसोर्स को भी, मतलब 2x होता है या 4x होता है, ये आई थिंक 2x या 4x होता होगा या 10x होता होगा, स्पीड बढ़ा देगा, तो उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड यहाँ से जो आपको मेडल्स मिलेंगे ये वाले, तो इससे आप ये हैमर ऑफ हीरो वगैरह मत लेना, हैमर ऑफ बिल्डिंग ही लेना। एंड फाइटिंग भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना ट्रूप्स अपग्रेड करना है तो फाइटिंग भी ले सकते हो। एंड यहाँ पे गोल्ड पास तो लेना उतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके पास स्पेयर पैसे बचे हुए, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के पास मतलब स्टूडेंट्स ही होंगे, एंड आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स को ये सब खरीदना चाहिए। मैंने दो बार खरीदा गोल्ड पास, मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि यार मैं पे टू विन पे भरोसा नहीं करता, बट फिर भी हाँ अच्छा खासा चल जाता है। एंड एक और अटैक हम लोग कर सकते हैं, बट हम लोग अभी उसे अटैक को नहीं करेंगे। कलेक्ट कर लिया हमने अपना ट्रेजरी वगैरह सब कुछ, तो देखते हैं एक बिल्डर से हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि 11 घंटे में हमारा एक आर्चर टावर खत्म होने वाला, मतलब फिनिश होने वाला बिल्डिंग अपग्रेडिंग, तो उसे भी हम लोग देख लेंगे कि क्या कर सकते हैं। एंड तब तक के लिए हम लोग करते हैं अपग्रेड, एक वॉल और एक आर्चर टावर को लगाते हैं। तो सबसे पहले स्विच कर लेते हैं अपने प्रोग्रेस बेस पे। तो हम लोग तो यार बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा था बेस में, सोच रहा था कि टाउन लेवल 12 मैक्स कर दूंगा, बट मैक्स होने से पहले ही आई थिंक हमारा जो ये अपडेट है वो गिरेगा। तो चलो एक वॉल को मैक्स कर लेते हैं यहाँ से, और लगाते हैं अपने एक आर्चर टावर को फॉर 10 मिलियन गोल्ड इन बड़ा बिंग बड़ा बूंग 3-2-1 बैम। अच्छा बैम, अब हुआ बैम। ओके, तो हमारे सारे के सारे बिल्डर्स भी हो गए हैं बिजी, एंड हमारे पास बिल्डर पोशन होता तो और मज़ा आता। किंग हमारा जा रहा आई थिंक फॉर लेवल 58, जो कि बड़ी ही मज़ेदार बात है। यहाँ पे हमारा गार्डन मैंने छोटा सा क्रिएट किया, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। स्विच कर लेते हैं अपने मेन विलेज में, होम विलेज में। एंड तो यार यही था हमारा आज का वीडियो, हम लोगों ने बात किया कुछ की किस तरह से हम लोगों को प्रिपेयर रहना अभी, मतलब जो अपडेट आने वाला है। एंड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है अपडेट में क्या क्या हीरो वगैरह गिरेंगे और क्या क्या कलर वगैरह चेंज होगा वॉल्स का, ये सब वगैरह वगैरह। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसे स्किप नहीं किया, तो आप बता सकते हो। एंड बाय द वे, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, एंड इसी तरह के क्लैश ऑफ क्लैंस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नाम है सनी यार, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।